खुशी किसमें होती है ये पता अब चला है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। और सच यार, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। आई डोंट नो कि आप कितना रिलेट कर पाओगे, बट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, क्योंकि जब आप अपने 60s में हो गए तब आपको इस डायलॉग का मतलब समझ आएगा कि हाँ यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजा, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। और अपने बचपन की कुछ यादों को ताजा करने के लिए मैं लाया हूँ चाइल्डहुड मेमोरीज द एनिमेशन सीरीज, जिसे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिज्नी XD पर आने वाले एक बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन शो सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो को याद करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किसने इस शो को बनाया और कैसे ये शो हमारे इंडिया तक पहुंचा, एंड सो ऑन एक्साइटिंग एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में आप को जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। डिज्नी XD पर आने वाला शो सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो सच में एक कमाल का शो था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कार्टून नेटवर्क चैनल पर आने वाले शो टीम टाइटंस गो से काफी हद तक मिलता जुलता था। और ऐसा क्यों था, इसका भी एक रीजन है, वो ये कि इस शो के क्रिएटर सीरो नीली थे। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सीरो नीली टीम टाइटंस गो के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर थे, जिन्होंने टीम टाइटंस गो से इंस्पायर्ड होकर सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो बनाया। एक फन फैक्ट सुनो, सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो एक अमेरिकन शो भी है और एक जापानी शो भी है, क्योंकि इसके क्रिएटर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी अमेरिकन हैं। और इसका जो एनिमेशन है ना, वो एक जापानीज स्टूडियो द आंसर स्टूडियो ने बनाया है, इसीलिए ये शो अमेरिकन एंड जापानीज दोनों है, जिसके कारण आपको इस शो को देखते वक्त एनिमे वाली फीलिंग भी आती है। भाई मुझे तो आती है, आपका नहीं पता। सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए इसका एक्रोनिम भी यूज किया जाता है, जो कि है SRMTHFG। वेल, एक मुफ्त का ज्ञान भी ले लो, जब किसी सेंटेंस के सभी वर्ड्स के पहले लेटर्स को लेकर एक छोटा वर्ड बनाया जाता है तो उसे एक्रोनिम कहते हैं, और सरल भाषा में किसी बड़े सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम कहलाता है, जिसका ऑपोजिट वर्ड फुल फॉर्म होता है। एक फन फैक्ट और सुन लो, जब आप किसी एग्जिस्टिंग एक्रोनिम का मन घड़त अर्थात मन से गढ़ा हुआ कोई बना देते हो, तब उसे बैक्रोनिम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, TVS एक मोटरसाइकिल कंपनी है जिसका फुल फॉर्म थिरुकुरुंगुड़ी वेंगरम सुंदरम होता है, जो कि TVS कंपनी के ओनर का नाम है। बट मेरे स्कूल में कुछ बच्चों ने इसका फुल फॉर्म अपने मन से बना रखा था, वो बोलते थे कि TVS मतलब टकला वेरी स्मार्ट। तो ऐसे और भी कई बैक्रोनिम्स आपने भी बनाए होंगे, और यदि बनाए हैं तो यार कमेंट में बता के जाना। द बिगेस्ट सीक्रेट, सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो को 2004 में बनाया गया और जेटिक्स चैनल पर एयर किया गया। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि SRMTHFG ही जेटिक्स चैनल का सबसे पहला शो था जिसे वर्ल्ड वाइड प्रीमियर किया गया। वेल, बाद में जेटिक्स चैनल का नाम बदलकर टून डिज्नी रखा गया, एंड 2009 में फिर से नाम बदलकर डिज्नी XD कर दिया गया, और एक बार फिर डिज्नी XD का नाम बदलकर मार्वल HQ कर दिया गया है। एक बार मैं आपको SRMTHFG की स्टोरी भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी मेरी तरह बस इसका टाइटल याद होगा, वो भी आधा अधूरा, सुपर मंकी टीम। और स्टोरी तो दूर की बात हो गई। प्लॉट ऑफ द शो, ये स्टोरी है शुगाजुम नाम के एक फिक्शनल सिटी की, जो कि एक फिक्शनल प्लैनेट में सिचुएटेड है। इस शो का मेन कैरेक्टर चीरो है, जिसे एक दिन अपने शहर के बाहर घूमते वक्त एक सुपर रोबोट पड़ा मिला, जो कि कुछ सुपर मंकी के टीम द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। नाउ चीरो को उस मंकी टीम का लीडर बना दिया गया, जिनका काम था शुगाजुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना, जो कि इस सीरीज का मेन विलन है। पांचों मंकी मिलकर सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स बनाते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: एंटोरी, ब्लैक मंकी, स्पार्क्स, रेड मंकी, गिब्सन, ब्लू मंकी, नोवा, येलो मंकी, ऑटो, ग्रीन मंकी। जर्नी फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया,
जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनली 18 सितंबर 2004 से SRMTHF-G को अमेरिका में Jetix चैनल पर दिखाना शुरू किया गया और 2006 तक दिखाया गया। उसके बाद इस शो को टून डिज्नी पर ब्रॉडकास्ट किया गया। 2009 तक अमेरिका में टून डिज्नी डिज्नी चैनल का एक स्पिन ऑफ चैनल था, जिसका नाम बदलकर डिज्नी XD रख दिया गया था। एक फन फैक्ट ये भी है कि इस सीरीज को वाइड स्क्रीन के लिए बनाया गया था, लेकिन अमेरिका में कुछ नेटवर्क रेस्ट्रिक्शंस के कारण इसे क्रॉप करके 16:9 की जगह 2:3 में दिखाया गया। एंड इंडिया में ये सीरीज 2011 के आसपास एयर किया गया। डिज्नी ने इस सीरीज का सीजन 5 इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि इसकी मर्चेंडाइज की सेल्स बहुत कम थी और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, इसीलिए इसके लास्ट एपिसोड को उन्होंने एक सस्पेंस के साथ बनाकर छोड़ दिया। जिसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपरफोर्स गो का सीजन 5 भी बनाया जा सकता है। वेल, 3 जुलाई 2020 को डिज्नी प्लस ने एक अनाउंसमेंट किया, जो कि एक अमेरिकन OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, जिसका काम होता है टीवी पर दिखाए जाने वाले फिल्म्स और सीरीज को डायरेक्ट हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू लोगों को दिखाना। एंड ऑब्वियसली OTT प्लेटफॉर्म्स फ्री नहीं होते हैं, उनका भी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। सो 3 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अनाउंस किया कि वो सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपरफोर्स गो को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और 17 जुलाई 2020 से उन्होंने उसे स्ट्रीम करना शुरू भी कर दिया। इंडिया में डिज्नी प्लस को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से जाना जाता है। आप चाहो तो इसका सब्सक्रिप्शन लेकर सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपरफोर्स गो देख सकते हो। एक्चुअली इस सीरीज में टोटल 52 एपिसोड्स हैं, जो कि 4 सीजन में बटे हुए हैं और हर एक सीजन में 13-13 एपिसोड्स शामिल हैं। बट इस बार डिज्नी प्लस पर इसे 2 सीजन में स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसमें हर एक सीजन में 26-26 एपिसोड शामिल है। भाई बात तो वही है ना। हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि इसमें जो येलो मंकी है ना, जिसका नाम नोवा है, उसे मेघना इरांडे ने अपनी आवाज दी है और ये वही सुपर टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परमैन में पाको और सुमीरे को अपनी आवाज दी है। इसके साथ साथ इन्होंने निंजा हथौड़ी में कांजो को भी अपनी आवाज दी है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन घूम रहा है तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ID link is in the description. Till then, stay tuned, stay happy.